सो मेरे प्यारे बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्रीकाल एंड गेम चो वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड दिस वी टू लर्न द कांसेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स सो मेरे प्यारे बच्चों दिस इज योर दबंग प्लस बैच स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट लेक्चर नंबर

That you are with physics. आज हम क्या क्या पढ़ने वाले बच्चा तो वी विल कवर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनसीआर है उसके इंक्लूड करूंगा ही, और साथ साथ में और भी आपके बोर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं बच्चा ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा आइए और मैं बिल्कुल एनसीआरटी के आपके लाइन बाय लाइन को एकदम आराम से एक्सप्लेन करूंगा आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत हो जाएगी सो दिस इज फ्रॉम योर एनसीआरटी पेज नंबर फोर्टीन बड़ी खतरनाक बातें लिखी होती है उसी को मैं सिंपल करके रखता हूँ तो ध्यान से सुनिए आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा बच्चा तो हम समझते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ठीक है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसको हम समझने के लिए एक आपको एग्जाम्पल देते हैं उस एग्जाम्पल को अगर आप अपने मन मंदिर में बसा लोगे बेटा तो लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा आप कभी भूलिएगा ही नहीं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है ठीक है अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा तो अपने आसपास एक ऐसे इलाका बना लेगा क्या बना लेगा इलाका बना लेगा आप इस चार्ज पार्टिकल को समझ लो कि ये हमारे रॉकी भाई हैं बिल्कुल जैसे आपके बाबा एस को आप लोग फिजिक्स रॉकी भाई बोलते हो है ना और आप सब बाबा एस के फिजिक्स रॉकी भाई के बच्चा पार्टी हो तो हमने मान लिया भाई कि हमारे पास यहाँ पर एक रॉकी भाई है जाहिर सी बात है कि रॉकी भाई ने अपना एक इलाका बनाया इस तरीके से अब इस इलाके में अगर मान लीजिए कोई गुंडा गरुणा नामक जो कि विलन है वो भी एक चार्ज ही है यहाँ आने की एंट्री लेगा मतलब कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि रॉकी भाई इस करुणा के ऊपर वार कर देंगे मार देंगे फिजिक्स में बच्चों जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के जोन में आता है तो हमेशा एक चार्ज अपने वाले जोन की वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड हम ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं अर्थ का अपना एक इलाका है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं उस इलाके में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उसको खींच लेता है जैसे ये पेन नीचे गिरा क्योंकि इलाके में है लेकिन अगर इसी पेन को मैं स्पेस में फेंक दू जहाँ ग्रेविटेशन फील है ही नहीं तो ये हवा में नाचते रहेगा वैसे ही बच्चों हमारा चार्ज पार्टिकल भी अपना एक इलाका बनाता है तो आप क्या याद रखेंगे इस तरीके से याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ भाई लोगों का इलाका ठीक है ये क्या है भाई लोगों का इलाका है जो क्या एग्जर्ट करता है विच एग्जर्ट फोर्स जो क्या लगाता है Which exert force. अच्छा मुझे पता है बोर्ड वाले बच्चे बोलोगे सर एग्जाम में ऐसा लिखे मार्क्स मिलेगा नहीं पहली बात यह सवाल पूछेगा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कराएगा तो जहां डेरिवेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा और जो ये मेरे नोट्स हैं बच्चो आप ये टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पचास हजार से भी अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हो और पीछे मत हटो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है तो भाई लोगों का इलाका है विच एक्सर्ट दर्स यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रॉकी भाई ने जितना फोर्स लगाया इस गरुणा पर यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया ई e बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट बच्चा e के ये सिंबल कर दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कैसी क्वांटिटी है यस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहां होगा तो इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जहां पर फोर्स रहेगा वहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमने प्रीवियस क्लास में वी हैव हाँ सीन कूलम्स लॉ के अंदर की डायरेक्शन कैसे पता चलता है तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है दे विल रिपेल तो जो चार्ज जहां पर रिपेल होता हुआ दिख रहा है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कहाँ आएगा यहाँ आएगा दैट मीन ये आपको अट्रैक्ट कर लिया ये यहां आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो जहां पर फोर्स होगा बच्चा पार्टी वहीं पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी चलिए ये छोटी छोटी बातें जो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं है ना यूनिट क्या होगा तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का क्या होता है कूलम तो न्यूटन अपॉन कूलम हो गया अगर हम इसका डीएफ बनाए डीएफ का मतलब डायमेंशन यस दीज आर योर बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला बताओ इसका यूनिट बताओ तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो न्यूटन है तो न्यूटन का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू और क्यू सॉरी uh, है वो कूलं है। कूलं मतलब टी वन तो कुल मिला के हमारी बात बन गई और आंसर आ गया एम वन एल वन टी माइनस में टू माइनस में वन माइनस में थ्री एंड देन ए माइनस में वन चलिए तो हमने क्या सीखा कि हर एक चार्ज अपना एक इलाका बनाता है और उस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आने की कोशिश करता है तो ये चार्ज पार्टिकल जिसने बनाया है इलाका वो उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा फोर्स उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बात आई समझ में गुड अच्छा एक और बात दैट चार्ज दैट चार्ज विच प्रोड्यूसेस ये सारी चीजें बच्चों अपने कॉपी में लिखते चले जाओ और अगर आप नोट बना रहे हो तो मुझे सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पर करना अच्छा लगेगा कि सर चिकू भैया आपसे फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स से मोहब्बत हो रही है दैट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो चार्ज बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज है ना नाम से पता चल जा रहा है तो इन दोनों में सोर्स चार्ज कौन है ये बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज और वो चार्ज जो मार्क खाता है दैट चार्ज विच एक्सपीरियंस फोर्स जो फोर्स खाता है मार खाता है which experience the force, जो force सहता है एक्सपीरियंस द फोर्स फोर्स जो सहता उसे हम बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पावरफुल है वो इस फोर्स से पता चल जाएगा कितना ज्यादा फोर्स लगता है उससे हमें पता चल जाएगा तो ये है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत वाली बेसिक सी कहानी जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई और देखिए इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है इसके बारे तो खैर एग्जाम्पल है बट हम एग्जाम्पल से पहले और भी सारी चीजों को कवर करेंगे पूरा आपका एनसीआर है बच्चा बस ध्यान से सुनते चले जाइए आपको फिजिक्स से मोहब्बत होता चला जाएगा तो भाई ये तो हमने देख लिया कि एक चार्ज अपने आसपास इलाका बनाता है और उसके अंदर अगर कोई और आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है यहां आपके मन में ये प्रश्न चल सकता होगा कि सर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वाई नॉट दिस चार्ज वेर इज दिस गरुणा गरुणा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो गरुड़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रॉकी भाई मार नहीं खाएगा क्या यस गुड क्वेश्चन बट अब यहां समझना जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को फील करते हैं तो उस वक्त जो हमारा सोर्स चार्ज होता है उसके मैग्निट्यूड को ज्यादा रखा जाता है जैसे अर्थ का मास बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू तो ये कलम के मास से तो मैं कहूंगा कि ये कलम धरती माता के जोन में आके गिर गया लेकिन धरती माता के मास का कंपैरिजन अगर किया जाए मार्स से मंगल ग्रह से तो बात अलग हो गई ना तो वैसे ही जैसे कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो रॉकी भाई वाला जो चार्ज की वैल्यू है वो वन कूलम है तो ये जो गरुणा है वो माइक्रो कूलम है अच्छा डिफरेंस बहुत बड़ा है ये एक कूलम है ये माइक्रो कूलम है माइक्रो का मतलब टेन की पावर माइनस सिक्स टेन पावर माइनस सिक्स का क्या मतलब हो गया बहुत छोटा अगर टेन पावर माइनस सिक्स बहुत छोटा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपके बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये छोटे वाले मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं आएगा आई बात समझ में अच्छे से सो जब भी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसमें दो तरह का चार्ज होगा सोर्स और टेस्ट आपके दिमाग में ये ऐसा हो सकता था कि सर टेस्ट चार्ज का भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बट टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कमजोर है इतना कमजोर है कि हम इसके अंदर इसके इंपैक्ट को इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रो है पीको है नैनो है बहुत ही छोटा हो गया ठीक है चलो बच्चों अब देखिए अब आपके टेक्स्ट बुक में जब आप ये टॉपिक देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा सा डेरिवेशन आप इसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल भी है हमेशा आपको फिजिक्स में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यू विल बी इन लव विद फिजिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका जो वेटेज आएगा बच्चों वो दो मार्क्स का आएगा सो so, थियरी लिखना कैसे है मैं आपको वो भी समझाता हूँ आप अपनी नोट भी साथ साथ में बनाते चलिए और मैं यहाँ आपको दे भी दूंगा तो चलिए यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट क्यू चार्ज है और इससे आर जितने डिस्टेंस पर पॉइंट है और एक चार्ज है क्यू तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे बहुत सिंपल कैसे लिखेंगे एज शोन इन द डायग्राम जी भैया भैया एकदम सही एज शोन इन द डायग्राम वी हैव कंसिडर्ड कैपिटल क्यू चार्ज एज वेल एज स्मॉल क्यू चार्ज एट अ सेपरेशन स्मॉल आर सिंपल फिर से एज शोन इन द फिगर लिख लीजिए एज शोन इन द फिगर वी हैव कंसिडर द टू चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फिर नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन क्या होगा वी विस्ट टू फाइंड वी विस्ट टू कैलक्यूलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट पी हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं किसकी वजह से इसकी वजह से तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ना अब याद रखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है कहाँ होती है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है P पॉइंट पर कितना पहुंच रहा है P पॉइंट पर कितना पहुंच रहा है तो उसको जानने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऐसे अगर आप लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में उड़ान जल्ले की बच्चा बोर्ड एग्जाम वाला कभी आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता तो बाई डेफिनेशन क्या हो गया ई e बराबर एफ अपॉन क्यू हम सब जानते हैं ना हाँ तो एफ क्या है एफ तो आपका ग्रेविटेशन लो है इसे आप इक्वेशन दे दो अब फिर आप यह, ग्रेविटेशन नहीं अब आप यहाँ पर लिखो फ्रॉम कूलम्स लो फ्रॉम कूलम्स लो चलिए तो अब अगर हम यहाँ पर कूलम तो का नियम लगाएं विच इज एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया आर का स्क्वायर नहीं आया समझ में फिर से देखो ध्यान से हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए जी भैया चमका हाँ दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है दैट इज आर अरे तो फोर्स लगेगा ना भाई कितना लगेगा मालिक F बराबर के क्योंकि ओपन में आर का स्क्वायर लगा दीजिए भैया गजब पढ़ाते हैं भैया फिजिक्स से प्यार ना हो गया है इसको दे दीजिए समीकरण नंबर दो अब इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दीजिए सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी जैसे ही आप दोनों को भाग करेंगे भाग मत कीजिए फ्रॉम इक्वेशन एंड लिख दीजिए तो पहले वाले इक्वेशन में जो एफ है उसकी वैल्यू हो गई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर पांच और साथ में बच्चों यहाँ नीचे क्या था क्यू था ये देखिए इक्वेशन वन इसमें एफ अपॉन क्यू है एफ की वैल्यू कितनी है के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अब क्या कटेगा देखो तो ये क्यू से क्यू मर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इस इक्वेशन को कहाँ बसाना है आपको अपने मन मंदिर में कब तक जीवन काल के अंत समय तक मुझे ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये इंसान हमें जो है वीडियोस में पढ़ा रहा है यू विल फील कि मैं आपके आसपास ही बैठा हूँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लेकिन बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इसका हमें वेक्टर फॉर्म भी तो लिखना पड़ेगा तो बेटा पिछली क्लास में सिखाया था सेकेंड लेक्चर में कि वेक्टर जब भी आता है तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड रहता है उसके साथ कैप आ जाता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैप इट इज अ यूनिट वैक्टर सो इफ इट इज अट वैक्टर वी विल राइट लाइक दिस के क्यू अपॉन में आर का क्यूब एंड देन वैक्टर क्यू सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस आर कैप इट विल बी लाइक वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ये रहा अपॉन मैग्नीट्यूड नीचे ऑलरेडी स्क्वायर था तो तो खूब आ गया बच्चा एकदम सिंपल है तो हमने क्या क्या सीखा हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से पॉइंट चार्ज जो है उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके सामने वेक्टर फॉर्म क्या है आपके सामने ये आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इतना बड़ा आप लिखेंगे तो आपको दो में से दो मार्क्स मिल जाएगा तो डेरिवेशन हो गई लेकिन अब हम इसके कुछ सवाल लगाते हैं अच्छे से बट बिफोर बी एंटर इन सम सवाल कुछ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें चलो हम सवाल लगाते लगाते करते हैं पहले आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक का 1.7 ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आप में से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रचंड बैच के बारे में पता होगा विच इज फ्री एप फ्री ऑन यूट्यूब तो आप उसे भी देख सकते हैं उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं बच्चों ठीक है सवाल पढ़ते हैं देखिए क्या लिखा है, लिखा है भाई cm, तो इलेक्ट्रॉन एक दशमलव पांच सेंटीमीटर गिरता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा मेरे को डिस्टेंस दे रखा है cm, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों पावर फोर न्यूटन पर कूलम ये दो चीजें हमें गिवन है अब दो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ बच्चा प्लस है और यहां पर ना एक इलेक्ट्रॉन है और सिंबल ऐसा बनाया हुआ है इसका क्या मतलब है कि माइनस प्लस से अट्रैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल हुआ और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्लस ई है तो जाहिर सी बात है ये आपका प्रोटोन होगा और प्रोटोन में सिंबल चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो गया बेटा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड

और प्रोटोन भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दोनों मार खाएंगे यानी हम पहले इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो बच्चा क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा जी सर लगेगा ना एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए क्यू क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है इट एक्सपीरियंस द फोर्स यही तो सीखे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा अब न्यूटन के दूसरे नियम से तो एमए होता है लेकिन अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो अभी अभी आज की क्लास में जो देखे वहां पर एफ बराबर क्यू ई e था ये आपका हुआ एम टाइम्स ऑफ ए तो बेटा ए बराबर में आ गया अपॉन में e हो, 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 जी चमकीला आनंद की अनुभूति आई एक्सीलरेशन मिल गया नाउ देर इज फ्री फॉल क्या हो रहा है यहाँ पे फ्री फॉल तो इलेवेंथ क्लास में हम पढ़ चुके हैं नहीं आ रहा है तो ध्यान से मुझे सुन लो अभी अभी आ जाएगा फील आ जाएगा प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ फ्री फॉल का मतलब किसी चीज को छोड़ देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हो जाएगी, तो वो कितना करेगा? तो equation, इस प्रकार से टी बराबर कितना हुआ टू एस अपोन में ए चमका टी बराबर क्या हो जाएगा टू एस अपोन में ओके सर नाउ अंडर रूट टू What about s? S is the distance which is 1.5. तो ये 1.5 कर दो. Centimeter है तो 10 to the power minus 2 because meter में convert करेंगे. Divide by a for acceleration. तो e e upon में m. E मतलब charge. Electron का charge कितना होता है? तो 1.6 into 10 power minus में 19. फिर electric field. Electric field कितना बच्चा? तो 2 into 10 power 4. 2 into 10 to the power 4. देखिए मैं value रख रहा हूँ. A के जगह पर. M. M क्यू अपॉन तो में अपॉन में कितना थर्टी वन बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का गेम है एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ला सकते बट फटाफट अगर करना है तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से जा सकते हैं जैसे ये दो से मेरा दो कट जाएगा ये पंद्रह सोलह लगभग आसपास में ही है 1.5 1.6 वेरी क्लोज टू ईच अदर आई कैन कैंसिल डायरेक्टली क्या बचता है 9.1 9.1 इज क्लोज टू 9 9 का अंडर रूट कितना होगा बेटा तीन। लेकिन पहले आप जरा एक बार अंडर रूट से बाहर किसी भी चीज को निकालने से पहले अंदर पावर का कैलकुलेशन कर लीजिए वरना लोचा हो जाएगा क्यों होगा मैं आपको वो भी समझाता हूं 9.1 10 पावर यहां देखो -2 -31 -33 टेन पावर माइनस थर्टी थ्री नीचे माइनस उन्नीस प्लस चार कितना हुआ माइनस पंद्रह तो माइनस पंद्रह ऊपर जाएगा तो कितना होगा प्लस पंद्रह अब तैतीस में से दस गया तो तेईस तेईस में से पांच और चला जाएगा तो 18 तो टेन टू दी पावर में आया माइनस में 18 यहां आ गया टेन पावर माइनस में 18 बेटा जब भी ऐसा हो कि यहां पर पावर इवन हो अठारह इवन है ना दो से कट सकता है तो आप इसे डायरेक्टली बाहर निकाल दीजिए क्यों क्योंकि टेन की पावर में जो भी है जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और अंडर रूट में नाइन मैं कंसिडर कर ही रहा हूं तो ये मेरा लगभग तीन हो गया और टेन टू दी पावर माइनस में नाइन हो गया तो आपका आंसर क्या बना तीन नैनो सेकेंड ऑलमोस्ट तीन नैनो सेकेंड आया रियलिटी में जब आप इसका आंसर चेक करेंगे जो कि मैंने यहां पर शीट में सॉल्यूशन भी डाला है एक सेकेंड हम देख लेते हैं तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई ये तो प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहा नहीं, नहीं अच्छा यहां निकाल दिए हैं ये प्रोटोन का चलो इसको चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वाला लगता है कि वो स्लाइड हमसे डिलीट हो गया कोई बात नहीं अब आप मैच कीजिएगा तो टू पॉइंट नाइन समथिंग अगर ऐसा होगा है ना तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो बेटा इतना आंसर आ जाएगा टू पॉइंट नाइन इज क्लोज टू थ्री हो गया ये टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे ही आप प्रोटोन के लिए भी निकाल लेंगे और प्रोटोन, प्रोटोन के लिए क्या होगा बच्चा यही सेम अंडर रूट में अपॉन में प्रोटोन, प्रोटोन के लिए e upon में M करके, मास प्रोटोन रखिएगा विच इज वन पॉइंट सिक्स टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी करेंगे ना चलिए अगर आप ईमानदार बच्चा पार्टी हैं और बाबा एस एस पी के ट्रू बच्चा पार्टी हैं तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर लिखेंगे ठीक है चलिए तो ये आपका हो गया और यहाँ पर एक और चीज बोलता है कि कि मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ लगाएंगे तो क्या होगा तो देखिए जब free fall होगा तो acceleration तो दोनों में g g हो गया तो दोनों का टाइम ऑफ फॉल सेम हो जाएगा ठीक आइए 1.8 लेते हैं टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू यहाँ आप देख सकते हैं दो पॉइंट चार्ज क्यू वन और क्यू टू है ऑफ मैग्नेटिव टेन्स टू माइनस एट एंड माइनस टेन टू माइनस uh, एट तो यहाँ पर जो क्यू वन है वो टेन पावर माइनस एट कूलम है ये आपका क्यू वन है और यहाँ बच्चों जो आपका क्यू टू है वो माइनस टेन टू दी पावर माइनस एट कूलम है क्यू वन और क्यू टू फिर कहता है कि ये आर प्लेस जीरो पॉइंट वन मीटर अपार्ट तो जीरो पॉइंट एक मीटर का डिस्टेंस का आधा आधा किया तो जीरो पॉइंट जीरो पाँच जीरो पॉइंट जीरो पाँच मीटर हो गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी तो हमको निकालना है कहाँ कहाँ पर ए पर बी पर और सी पर इसमें से मैं दो कराऊंगा एक आपको खुद करना है ठीक देखिए कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट बात एस एस पी सर के साथ बच्चा जैसे मान लीजिए सिस्टम है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और क्यू फोर हमने प्रीवियस वाले क्लास के अंदर ये सीखा था कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर दो से ज़्यादा चार्जेस अगर हों तो हम फोर्स कैसे निकालते थे हम किसी एक चार्ज को देखते थे और फिर ये देखते थे कि कितने लोग बचे सब उसको मिलकर मारते थे वही चीज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा अलग होता है अगर सिस्टम में इतने चार्जेस हैं और मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो Q1 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा Q4 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और Q3 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट यह आपको किताब में नहीं मिलेगा बट बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी इसे आप कहाँ बसा लेंगे बेटा मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक ओ हो हो चीकू भैया फील आ गया क्या सीखे क्या सीखे फिर से जरा समझते हैं हमने ये सीखा कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो और मुझे किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे हवन नहीं हम ये देखेंगे कि कितने चार्जेस हैं। सभी चार्जेस से मिलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन कर देंगे वेक्टर फॉर्म में। प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस अब इसी चीज का मैं यहां पर उपयोग करने वाला हूं आपके टेक्स्ट बुक इस क्वेश्चन को जान से मारने के लिए एट पॉइंट एतना पॉइंटा कहा

यस yes, बेटा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे छोड़ रहा है आउटवर्ड तो इसकी छोड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा करेक्ट बट जैसा कि मैंने अभी आपको लेक्चर में सिखाया क्लास में ही कि हमें ये देखना होता है कि सिस्टम में कितने चार्जेस हैं दो चार्जेस हैं तो दो के दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर बनाएंगे अब इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो कैसी होती है इनवर्ड होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है कुछ इस प्रकार से इनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ तो तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जा रहा है ऐसे तो अगर मैं पॉइंट ए पर देखूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई मुझे दिखाई देगी इज क्या ये दोनों डायरेक्शन सेम है हाँ तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट ए दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर के कितना होता है पावर नाइन चार्ज कितना है बच्चा तो टेन रेस टू माइनस में एट और डिस्टेंस कितना है बेटा तो जीरो पॉइंट जीरो दीजिए जीरो पॉइंट जीरो पर बच्चे 90% परसेंट गलती करते हैं अगर आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा जहां पर हम फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे थे वॉज लॉट ऑफ क्वेश्चन जहां पे चार्ज नेगेटिव था But we do not have to take minus. Why? Because already, because of minus, we have considered the direction. Like here in this situation, because of this minus, we have changed the direction and then we have added this. No need to write uh, the sign, or no need to take the sign of this charge. Whenever you are solving the problem based on electric field or force, no need to take the direction uh, sign. You have to change the direction, you have to decide the direction by the minus sign. But do not take. The minus here in this situation. Otherwise, आपका calculation wrong हो जाएगा। तो चार्ज की value मैं मैग्नीट्यूड टेन पावर माइनस और distance अभी भी मेरा और इंटू जीरो पॉइंट जीरो सकते हैं ये दो बार है बेटा क्यों क्योंकि दोनों सेम था ये चार्ज डिस्टेंस चार्ज डिस्टेंस सेम है तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया टू इंटू नाइन इंटू टेन टू दावर नौ में से आठ गया एक यहाँ देखिए बटे में सौ है यहाँ बटे में सौ है ऊपर चला जाएगा तो माइनस में चार नहीं समझे फिर से देखो पांच बटे सौ पाँच बटे सौ तो नीचे तो पच्चीस हो गया सौ सौ दस की घाते चार ऊपर गया तो टेन एस टू माइनस फोर और इसमें माइनस कर देंगे है कि नहीं तो ये आ गया आपका अट्ठारह के बटे में पच्चीस इन टू टेन टू दावर वन माइनस फोर माइनस थ्री न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है इसे अगर आप कट करें तो कितना कट जाएगा बच्चा ये किसे काटों मैं पच्चीस बट अट्ठारह से भाग कर दीजिए चलिए तो 25 और 18 से हम भाग कर लेते हैं पॉइंट बढ़ाया जीरो हो गया 25 चौका सौ पच्चीस 25 पंजे पच्चीस चौकासौ एक सौ पच्चीस पच्चीस छक्का डेढ़ सौ और उसके बाद जाएगा 25 सत्ते एक सौ पचहत्तर है ना तो 180 बटे पचहत्तर कितना हो गया पांच पॉइंट है ही जीरो तो पॉइंट सेवन टू तो बच्चों सेवन टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं ध्यान रखिएगा जब भी पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो टेन पावर माइनस चढ़ता है और अगर हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो टेन पावर प्लस चढ़ता है यहाँ हमारा पॉइंट साइंटिफिक मैथड के हिसाब से लिखे तो यहाँ लिखना पड़ेगा तो सेवन पॉइंट टू हमने कितनी बार शिफ्टिंग करी एक बार तो टेन पावर माइनस वन इंटू टेन पावर माइनस थ्री तो आंसर आ गया सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस में फोर न्यूटन पर कुलम खत्म ऐसे ही नियम का उपयोग करके बच्चों अब आप आगे बढ़ेंगे और पॉइंट बी पर निकालेंगे हमने ए पर निकाल लिया ये ए ए वाला आप करेंगे तो फॉर प्लीज जरूर करिए ईमानदारी से बच्चों ये आपका एच डब्ल्यू है आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है अरे लिखोगे कि नहीं जी जी को भैया लिखेंगे तो लिख करके बताओ आंसर लेके आओ अब मैं आपको ए का सी का सिखाता हूं देखिए सी पॉइंट यहां पर है जैसा कि हमने लेक्चर में सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जितने भी चार्जेस होते हैं उसकी वजह से मिलती है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, है कि नहीं हाँ सर ये जीरो पॉइंट वन है ये जीरो पॉइंट वन है ये जीरो पॉइंट वन है राइट तो बच्चों इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर आ जाएगा कैसे 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 सर देखिए इसका वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर कितने डिग्री है। है तो 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 e e प्यारे बच्चा पार्टी अगर मैं देखूं किसे देखूं किसे देखूं किसे देखूं इसे देखूं ये वाले को तो ये एंगल सिक्सटी डिग्री है इक्विलेटरल होने की वजह से और ये भी आपका सिक्सटी हुआ तो 60 की तरफ कौन सा कंपोनेंट मिलता है 60 की तरफ कंपोनेंट मिलता है ई e और सिक्स में ई साइन सिक्सटी तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस वी आर कमिंग इन द फोर कंपोनेंट टू आर द कंपोनेंट एंड टू आर द कॉस्ट थीटा कंपोनेंट्स बट वेन वी सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी वी कैन सी कि ऊपर वाला नीचे वाला इस कैंसिलिंग अदर क्योंकि ये ये पॉजिटिव है 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 ऊपर की तरफ नेगेटिव तो इन्होंने अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या हो गया ये yes, दोनों को हमें जोड़ देना चाहिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है अब हम लिखेंगे टू ई e, ई e के जगह पर के विच इज नाइन इंटू टेन पावर नाइन चार्ज चार्ज कितना था दोनों का मैग्नीट्यूड ही लेंगे सेम है टेन पावर माइनस में एट और डिस्टेंस कितना तो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन और 60 की वैल्यू वन पॉइंट टू ये कितना 1, .9 कहीं अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो मुझे माफ कीजिएगा हालांकि मैंने आपको एक एक छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें पावर शिफ्ट करना अंडर में है तो कैसे सॉल्व करना वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर समझा दिया बेटा ठीक है एक बार आंसर भी देख लेते हैं आ... ए पर जो आ रहा था वो 7.2 पॉइंट टू है टेन पावर फोर आ रहा है मेरी गलती है लगता है यहां कहीं पर मैंने ये कर दिया है तो मैं मिस्टेक कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं पता चल गया बच्चा क्या पता चला सर पाँच बटे में सौ होगा और वो ऊपर गया है तो टेन पावर फोर हो जाना चाहिए था वन प्लस फोर कितना होता है फाइव यहाँ पर फाइव है और जब फाइव पांच में से एक घटाएंगे बच्चा तो चार आ जाएगा ठीक है वो बाय मिस्टेक हुआ है चलिए दूसरा वाला देखते हैं सी पॉइंट पर सी पर है नाइन इंटू टेन टू दी पावर थ्री जरा हम भी चेक कर लेते हैं हमारा कितना आया फिर से कहीं मिस्टेक करा है हमने वही वाली सेम मिस्टेक पता चला वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन तो कितना हुआ अरे वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन तो टेन पावर फोर ऊपर जाएगा ना नहीं टेन पावर टू ऊपर जाएगा ना तो प्लस थ्री हो जाएगा तो ये हो गया नाइन इंटू टेन पावर थ्री अब सही है मुझे लगा ही था कि मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है चलिए बच्चों हाँ जी अब एकदम सही है अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करा ही दिया कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो हैश आनंद की अनुभूति इसी को आपकी किताब में बड़ा अड़ंगे तरीके से दिया है कि इफ़ देर आर सो मेनी चार्जेस हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल याद रखो कि अगर हमें सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस दिखाई दें तो हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर देंगे ठीक है बच्चा अब आइए हम कुछ सवाल करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे बट उससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसी टॉपिक का अगला हिस्सा आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो है पेज नंबर सिक्सटीन पर फिर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा विच इज वेरी रिलेटेबल फॉर योर यॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि जो बोर्ड एग्जाम कर कर तो अच्छे -अच्छे हम करेंगे सब कुछ तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कुछ सिग्निफिकेंस समझना है सिग्निफिकेंस तो हो गया मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस है ये रहा बच्चा सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जो टॉपिक आपका टेक्स्ट बुक में दिया है ना इसको आपको नहीं भी करोगे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है चार्ज रखते हैं तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जैसे जैसे कैसे चुंबक होता है बच्चा तो एक चुंबक लोहे को चिपका लेता है क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन्स होती है वो हमें दिखता नहीं बट वो है उसकी सिग्निफिकेंस है है ना वी कैन नॉट टच द फील्ड लाइन्स बट येस देर इज नो फिजिकल एविडेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड ग्रेविटेशन फील्ड लाइन्स तो हम इसे टच नहीं कर सकते फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकली टच नहीं कर सकते इसको बट ये है जैसे चुंबक चिपकाता है तो है कोई शक्ति है जो उसे खींच रही है ऐसे ही भगवान भी हैं ईश्वर भी हैं ऊपर वाले भी हैं जिसे आप अलग अलग नामों से पुकारते हो है ना उनकी शक्तियां हैं लेकिन दिखते नहीं है अलग बात है उन्हें देखने के लिए तपस्या साधना आराधना की जरूरत है हाँ हाँ बिल्कुल अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो सुबह उठ करके एक बार शिव तांडव या फिर हनुमान चालीसा सुना कीजिए आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी बच्चा पार्टी सच्ची बता रहा हूँ करके देखिए प्रयास करके देखिए इंस्टाग्राम पर बहुत चला है मेरा ये प्रयास करके देखिए लोगों का जीवन बदल रहा है तो ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मतलब इसमें कुछ है भी नहीं हां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बेसिकली क्या होता है दीज टीएचई एस दीज लाइन्स आर कर्व ड्रॉन ऑन लाइन्स टू गेट डायरेक्शन क्या लिखा सर आपने इसको समझाता हूं इलेक्ट्रिक फिल्लाइंस बेसिकली क्या होता है ना कर्व होता है ये हमारी इमेजिनेशन है अब वो प्रैक्टिकल कर करके कर आया हुआ है जो साइंटिस्ट लोगों ने आपके सामने रखा जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फिल्लाइंस होगी वो कुछ इसी तरीके से होगी ना कुछ इसी तरीके से है बच्चा क्योंकि अभी अभी हमने देखा था प्लस से निकलता है और फिर माइनस में जाता है ये प्लस से निकला प्लस से निकला निकल रहा है बच्चों ठीक है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है ऐसे प्लस से निकल रहा है प्लस ऐसे निकल रहा है और माइनस अगर है तो उसमें आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, है और ऐसे आते जा रहा है तो बेसिकली क्या होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से कर्व होता है कर्व जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं किस किस तरह के हम आ सकते हैं या फिर दो मार्क्स का वो मैं सिखाऊंगा अभी बट अगर दो मार्क्स में ऐसा आ गया कि राइट डाउन द एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपको कोई भी चार प्रॉपर्टी याद रखनी है सबसे पहली प्रॉपर्टी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम या फिर ऐस, ऐसा लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखिए ज्यादा आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज एंडस विथ नेगेटिव चार्ज मतलब ये प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है देखिए प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है ये मैं नहीं कह रहा हूं यह इसका प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते जैसे आप मुझे कितना भी कोशिश कर लो मैं बदलूंगा ही नहीं मैं पढ़ाऊंगा ही ये मेरी प्रॉपर्टी है आई के नॉट चेंज माई प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक लाइन प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है दे क्रॉस ईच अदर ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते या फिर दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर कि कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं बच्चा क्यों नहीं काटेंगे कारण यह है कि अगर काट देंगे तो दिशा बदल जाएगी विच इज नॉट पॉसिबल दिशा not, दिशा दिशा नॉट पटानी बदल जाएगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सोच के देखो ये 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 ऐसे ऐसे जा जा रहा रहा है 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 तो इनको पता यार हमारा घर इधर अगर एक दूसरे को काटते तो इस बेचारे का घर इधर चला गया इस बेचारे घर इधर चला गया विच इज नॉट पॉसिबल तो दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है हाँ बट फ्यूचर में आप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को हमेशा काट देती है तीसरा टेंजेंट On P line will give us direction of electric field. Direction of electric field at that point. Sir, क्या मतलब है इसका Let's feel this point. किसी भी जगह पर अगर हम टेंशन खींचे तो हमें उस जगह पर electric field की direction मिलती है जैसे बच्चा अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने ये टेंशन खींचा तो ये मेरे को डायरेक्शन दे रहा है कि यार पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अगर मैं यहां खड़ा हूं कर्व लाइन ऐसी है तो मैंने ये टेंजेंट खींचा टेंजेंट मतलब टच करने वाली लाइन सो दिस वे आई एम गेटिंग द द डायरेक्शन एट पॉइंट सो वी अ टेंजेंट इन ऑन द कर्व लाइन वी गेट वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमें इस तरीके से इसको याद रखना है पॉइंट को तो चार मुद्दे आपके बन गए तीन मुद्दे बन गए चौथा दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप ये कभी भी बच्चा क्लोज लूप नहीं बनाते हैं क्लोज लूप कौन बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है तो यस दे डू बट दे डोंट कौन ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं बनाता अच्छा पांचवा व्हेन फील्ड लाइन व्हेन फील्ड लाइंस आर डेंसर डेंस दे एक्सर्ड मोर फोर्स दे एक्सर्ड मोर फोर्स एंड वेन दे आर लेस देन दे एक्सर्ड लेस फोर्स कितनी सिंपल सी बात लिखी हमने और कितना बेहतरीन नोट्स आपका तैयार होते जा रहे हैं बच्चों तो आप ये नोट से पढ़ोगे ना सुंदर सी नोट से तो कभी भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये पांचवा मुद्दा हो गया कि फील्ड लाइन जहाँ पर बहुत डेंस है मतलब जैसे बहुत डेंस का मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए कि मैं एक चार्ज चार्जू मेरे पे सौ लोग आके अटैक कर रहे हैं सौ लोगों का सहन कर जाऊँगा या पाँच सौ लोगों का सहन करूँगा भाई साहब सहन तो दोनों का नहीं कर पाऊंगा लेकिन पाँच सौ वाले तो मेरा चीथड़े निकाल देंगे सौ फील्ड लाइन्स मुझे आकर मेरी बॉडी को टच कर रही है एंड चार फील्ड लाइन्स मेरी बॉडी को टच कर रही है

तो ये आपका हो गया बोर्ड लेवल में थ्योरी अगर पूछता है तो इस तरीके से पूछता है बट आपका जो बोर्ड लेवल है वो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी बहुत सारे पूछता है तो अब हम सीखेंगे कि इसके कुछ एमसीक्यू अगर आते हैं तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं प्यारे बच्चों चलो तो मैं आपको अब कराता हूं कुछ धनाकेदार इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आइए आइए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल अब हम सीखेंगे लाइंस के कुछ एम सी क्यूज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और आप इसे कह सकते हैं सी बी एस एस पी क्यू क्यू का मतलब होता है एस एस पी सर का प्रेडिक्टेड क्वेश्चन समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ हाँ जी बेटा देखिए आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल और इसके ऑप्शन भी होंगे चिंता मत कीजिए मैं पूरा समझाता हूँ आपको अब जैसे यहाँ पर पहला सवाल है अगर एम सी क्यू पूछा था एम सी क्यू के फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बट फिजिक्स को पढ़ने का यही तरीका रखिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई कॉन्सेप्ट आप करते हैं तो उसके साथ उसके कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसको लगाइए बच्चा ठीक है हम वही फॉलो कर रहे हैं आइए और आप जो है बच्चों यहाँ ध्यान दो पहला यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है क्यू वन और क्यू टू आप देख सकते हैं इनकी फील्ड फील्डलाइंस ऐसे आ रही है फील्ड फील्डलाइंस ऐसे आ रही है पूछता है साइन ऑफ टू चार्जेस क्या होगा ऑप्शन दे देगा के बोथ पॉजिटिव ठीक है दूसरा बोथ नेगेटिव तीसरा दे देगा मान लीजिए चलिए Q1 वन ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव Q2 टू लेस देन ज़ीरो चौथा दे देगा कांट प्रडिक्ट मतलब हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं इसलिए हम हमारा आंसर यही होगा खूब अच्छ ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा बहुत सिंपल है आप देख सकते हैं कि दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को दूर फेंक रही हैं मतलब ऐसे आ नहीं रही हैं दूर फेंक रही हैं अच्छा आ रही है सर Q1 के पास तो आ रही है इसका मतलब है इन्वर्ड है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्वर्ट होता है तो ये नेगेटिव है पक्की बात है और ये भी क्या है नेगेटिव है पक्की बात है और नेगेटिव नेगेटिव आपस में इसलिए फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है अगर यही फील्ड लाइन्स का एरो ऐसा होता है इस, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इधर 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 तो ये पॉजिटिव हो जाते बट क्योंकि फील्ड लाइन्स इनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है और दोनों फिर ऐसे रिपेल भी मार रहे हैं तो रेपेल मार रहे है, तो दोनों क्या है बच्चा नेगेटिव है आंसर इज सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन मेरा ऐसा है आपको सोच के बताना है आप वीडियो को रोक करके आंसर भी सोचो बेटा जितना अच्छे से आप सोचोगे उतना आपको मजा आएगा और उतने अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे चीजों को ठीक है दूसरे में मेरा प्रश्न ये है बताइए कि कौन सी फील्ड लाइंस दूसरे में पॉसिबल है मतलब कि यहाँ हमने तीन आपको डायग्राम बनाया पहला दूसरा और तीसरा तीन डायग्राम बनाया इनमें से कौन सी फील्ड लाइन्स पॉसिबल है क्या पहली वाली पॉसिबल है सोच के देखिए इट इज नॉट पॉसिबल क्यों सर बहुत सिंपल है अगर यहां कोई चार्ज नेगेटिव होता तो ये फील्ड लाइंस आती है तो सब आनी चाहिए थी लेकिन ये तो बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल ये गलत है सर ये वाले में फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं फिर जा रही हैं कर्व जैसी फिर से जा रही हैं सर जा ही रही हैं जा ही रही हैं जा है, जा है, जाती ही रहती हैं सर ये सही है इधर देखिए क्लोज लूप तो भाई साहब किसी जीवन ने नंबर लेगा ना, ना मे बन में नहीं करेगा ना गलत है हो गया तीसरा सवाल तीसरे सवाल में बोलता है ड्रॉ द फील्ड लाइन्स बाई पॉजिटिव चार्ज ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो मार्क्स में ऐसा सवाल पूछ लेगा तो क्या करेंगे अवन नहीं ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जानी चाहिए बिल्कुल ऐसी जानी चाहिए ऐसी जानी चाहिए लेकिन सामने एक मेटल का प्लेट है क्या है बच्चा मेटल का प्लेट है लिखा रहेगा क्वेश्चन आप चिंता मत कीजिए तो अगर ये मेटल का प्लेट है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पहले से है अब हम जानते हैं कि हमने इंडक्शन पढ़ा है अगर आपने पहला लेक्चर मेरा अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो उसके अंदर भी मैंने एक थ्रॉट वाला क्वेश्चन कराया था कि एक ऐसा पाइप है इलेक्ट्रॉन उसमें से पुश होता है जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है क्यों ऐसा होता है उसका कारण ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट के सर्फेस पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन ऐसी हो जानी है 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 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ चला जाता समझ गए नेगेटिव होता तो यहाँ प्लस आ जाता फिर ऐसे जाते ऐसे खुपाच कुपाच कुपच जैसे अभी कैसे खुपच कुपच आ रहे हैं फिर ऐसे जाते ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन हो गए और देखिए बच्चों और कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते बोर्ड में तो यहाँ पर एक और बहुत बेहतरीन सवाल है कि हमारे पास दो चार्ज है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू बाई टू का स्टेटमेंट आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं लिख लीजिए देर आर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड दे आर केप्ड एट द ऑरिजिन एंड ए जीरो जीरो पर आप एक और जीरो लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना तो ये जीरो 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 और ए जीरो जीरो पर रखे हैं ऑन द एक्स एक्सिस वेयर इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वनिश और वेयर इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स न्यूट्रल जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल हो जाता है न्यूट्रल का क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपको बताना है कि ये चार्ज है और ये चार्ज है तो इस अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो गया न्यूट्रल हो गया वनिशेष हो गया मतलब दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर दिया सोच के देखो तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहा हो बच्चा जैसे एक क्वेश्चन था सेकंड लेक्चर में कूलम्स लॉ में सिखाया था कि कहां पर फोर्स जीरो है तो आप सिस्टम में देखते हो कौन कौन मार रहा है तो अब यहां पर जाहिर सी बात है सिस्टम में दो चार्ज है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी

इसका मतलब है दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी हम जाएंगे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन वी कैन नॉट थिंक दैट देयर इज द न्यूट्रल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबिलिटीज माय डियर फ्रेंड दिस वे वी कैन पुट बट एक और प्राय आपकी पॉसिबिलिटी है जो आप यहां देख सकते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि ये चार्ज से ये पॉइंट मैंने कंसिडर करा मतलब यहां पर अब पी पॉइंट पर सोच के देखो

हाँ चिकू भैया जी चिकू भैया ठीक है तो अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगी या घटेंगी घट जाएंगे बोलेंगे P, हाँ बेटा, ये तीन का आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है थ्री मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बराबर एट पॉइंट पी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हम लिखेंगे ई पॉजिटिव माइनस में ई e नेगेटिव क्यों मैंने माइनस किया अपोजिट डायरेक्शन है चलो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई टू डिस्टेंस यहां से यहां तक मैंने डिस्टेंस कितना माना x तो x का स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा लगाया के क्यू बाई आर स्क्वायर फिर माइनस k नेगेटिव का k रहा आ गलती मत करना मेरी जान आज के क्लास में ही सिखा रहा हूं बार बार कि हम डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ माइनस साइन एंड प्लस साइन देन नो नीड टू पुट द साइन इन द फॉर्मूला ऑफ के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क इन द डायरेक्शन नॉट बिकॉज ऑफ द साइन सी तो यहां पर मैं क्यू ही लूंगा और बच्चों एक मिनट मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लेके गलती करी है जब मैं क्यू बाई टू ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस चाहिए ना चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस तो ये पूरा एक्स है और ये कितना है ये ए है सर नहीं समझा अरे ये जीरो 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 पर एक्स का स्क्वायर शुड आई राइट जीरो जी क्यू सवाल में ही तो बोल रहे है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो कर दिया ये माइनस इधर आ जाएगा ये बन गया के क्यू अपन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू

तो x माइनस ए का स्क्वायर और x स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला रूट पर आ जाएगा तो रूट पर आ गया तो ये बन गया अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन वी हैव x तो फाइनली रूट टू रूट टू माइनस में 1 एंड देन x सी बेटा ये x इधर आया माइनस रूट टू इधर चला गया रूट टू तो एक्स कितना आ गया

इस तरीके से एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि चार्जेस रखा हुआ है यहाँ चार्ज है यहाँ चार्ज, चार्ज है चार्ज चार्ज है है रखा हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव तो कहता है कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं तो हमको बताना है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ पर है दिशा हाँ दिशा ठीक है ठीक है भैया सलोनी को बता देंगे सॉरी बच्चा इधर देख देख इस पॉइंट पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा क्या सिखाया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिपेंड करता है जितने इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्शन तो कहा, कहा है ये आया खुपच दोनों ने एक दूसरे को वनिश कर दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना और वैसे भी ये मिड पॉइंट था तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है तो के मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इन दोनों ने एम पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया अब बचता है ये वाला तो यह पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक इस लाइन पर कैसी जाएगी डायरेक्शन तो हो, हो गया तो लीजिए बेहतरीन प्रश्न और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स है पढ़ते हैं है, और हमें चार्जेस दे रखे हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और ये वाला वैकेंट दिख रहा है मतलब खाली दिख रहा है तो हेक्सागोन के टोटल कितने कॉर्नर होते हैं छह 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 होते हैं कॉर्नर में से पांच कॉर्नर पर हमें चार्जेस रखा हुआ दिखाई दे रहा है सवाल ये कहता है बच्चों कि टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ सिक्स मतलब ओ पॉइंट पर मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए सिक्स इन टू वॉट अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी पुट ऑन द वैकेंड कॉर्नर ऑफ द प्रॉब्लम है इसे कहते हैं लजीज प्रॉब्लम तो मुझे यहां पर टोटल आंसर चाहिए six ही. तो यहां पर कितना चार्ज होगा मान लेते हैं चलिए अब समझिए बच्चा इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगी 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 इसकी वजह से भी, 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 भी आएगी सर क्यों आज ही तो पढ़ाया अभी तो क्लास में सिखाया यार कि सिस्टम में जितने चार्जेस होते हैं सब मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं है। चलिए तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन खुपाच क्यू क्योंकि सर पॉजिटिव है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन खुपाच क्यू क्योंकि पॉजिटिव है आउटवर्ड क्या इन दोनों ने एक दूसरे के इंपैक्ट को खत्म कर दिया हाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुपाच इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुपाच इंपैक्ट खत्म खेला खत्म पैसा छमा छम इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां आ रही है मान ले कि वो ई है ठीक है बेटा तो ऑलरेडी इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई है अब एट पॉइंट ओ जरा ध्यान से देखना ये पॉइंट ओ है यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर हमारे पास में एक क्यू डैश चार्ज है तो इस जगह पर जो क्यू डैश सॉरी प्लस क्यू डैश लिख देता हूं हाँ इस जगह पर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए बेटा वो कितनी आनी चाहिए सिक्स ही आनी चाहिए ठीक है सिक्स अच्छा ही आनी चाहिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर उसे मैं ई e कंसिडर कर लू चलेगा और मेरे लिए ई e बराबर क्या है के क्यू अपोन में आर ये डिस्टेंस कितना है आर और ये डिस्टेंस भी कितना है आर ठीक है सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसे मैं नाम दे रहा हूं ओ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द दिस बाई दिस चार्ज इज E तो E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा तो ऑब्वियस ही बात है इसके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए था आपको नहीं लगता कि Q डैश की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए माइनस फाइव क्यू नहीं थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं देखिए नम 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 मुझे चार्ज चाहिए ना हाँ ठीक है तो एट पॉइंट ओ जाहिर सी बात है कि ये चार्ज ऐसा है कि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तभी तो जुड़ेगा यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तभी तो जुड़ेगा हमारे को आंसर कितना लाना है सिक्स ई e लाना है आंसर कितना लाना है सिक्स ई e लाना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ई ओ इज इक्वल टू ई डैश चलो ई e डैश के जगह पर हुआ के क्यू डैश अपॉन आर का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और ये जो है बच्चों वो है आपका सिक्स ई e. E है आपका के क्यू ये रहा के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर देखिए क्या कट रहा है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर के बाय आर स्क्वायर और के बाय आर स्क्वायर कट गया तो ये हो गया सिक्स क्यू बराबर क्यू डैश प्लस क्यू तो क्यू डैश बराबर सिक्स क्यू माइनस में क्यू फाइव क्यू हमारा आंसर एक छोटी सी गलती मैं कर रहा हूं कि मुझे आंसर पता है पांच क्यू कर दूंगा बच्चा जरा खुद भी दिमाग लगाओ अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर दूंगा तो पॉजिटिव भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो ये डायरेक्शन गलत हो गया ना तो जुड़ ही नहीं सकता हमें पता है कि अगर इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है दैट दैट इट इट शुड शुड बी बी नेगेटिव नेगेटिव तो अब क्योंकि दिशा मैंने ऑलरेडी ले रखा है यहां पर तो मुझे यहां माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा यहां भी माइनस लेना पड़ेगा तो क्यू डैश मेरा कितना हो जाएगा सिक्स क्यू सिक्स क्यू लेकिन ये माइनस में क्यू डैश है इसलिए क्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा माइनस में फाइव क्यू कंफ्यूज मत होना कि सर आप पहले बोले थे माइनस नहीं लेना है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं आप खुद भी सोचो पांच क्यू आपका आंसर आ गया बट दैट इज मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पांच क्यू है पक्की बात है लेकिन ये अगर पांच क्यू होता तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही नहीं ना अगर इधर आ रही है इसका मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो मतलब मेरा आंसर क्या है माइनस फाइव क्यू है फाइव क्यू नहीं हो सकता आई बात समझ में यस तो बच्चों आंसर आपका कितना आ जाएगा माइनस में फाइव क्यू चलो सर एकदम इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल था ये लजीज क्वेश्चन था सवाल नंबर सात ये देख बच्चा फोर क्यू थ्री क्यू टू क्यू एंड क्यू लिखा है इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी और डी कर देते हैं चलिए सवाल बोलता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर मतलब इसके सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है ए बी के अलोंग है बी सी के अलोंग है बी डी के अलोंग है या ए सी के अलोंग है जरा समझिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसको मैंने फोर ई e नाम दिया क्यों क्योंकि ई e बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर अब मेरा क्यू कितना है Q है ये कितना हो गया फोर ई e हो गया अच्छा तो टू की वजह से कितना आंसर आएगा टू क्यू की वजह से आंसर आएगा टू ई अब फोर ई e अरे मोरी माई और टू बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो तो के दर, क्यों? उसका फोर्स जाता है वैसे ही टू ई इधर है फोर ई इधर है बट ज्यादा किसका है ज्यादा नीचे वाले का है तो मेरा जो ओवरऑल आंसर आया वो इधर आ गया फोर ई माइनस टू ई टू उसी तरह से बच्चों थ्री क्यू इधर है Q इधर है थ्री क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा टू क्यू लेकिन नेट डायरेक्शन किधर होगा बड़े की तरफ तो इधर आ गया टू क्यू यानी कि टू ई क्यू नहीं यहां पर ई समझिएगा ये ई e है अच्छा अब एक है इधर टू ई और एक है इधर टू ई दोनों वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा माई बाप ऐसे आएगा ना तो कौन सा डायरेक्शन है ये सी बी डायरेक्शन है अलोंग सी बी एडी है क्या नहीं अलोंग सी बी तो सी बी इज वीडियो को पीछे ले जाकर के मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे डाउट आएगा ही नहीं कसम मोहब्बत हो जाएगी आपको फिजिक्स के साथ तो ये एक प्रश्न एक और प्रश्न मेरे मन मंदिर में चल रहा है जो कि मैंने बोर्ड के पेपर में देखा हुआ है तो मैं उसे भी रगड़वा देता हूँ बच्चों आइए वो आसानी लगेगा आपको टफ नहीं लगेगा अच्छा लगेगा आपको वैसे क्वेश्चंस करके है ना तो हमें अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर पकड़ बनानी होगी और ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा ये ऑलमोस्ट चार मार्क्स का सवाल ये हो सकता है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये पहला दूसरा तीसरा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से चार मार्क्स के प्रश्न बनने वाले हैं तो बच्चों हमारे पास में खूबसूरत सी यहाँ पर एक स्क्वायर है खूबसूरत सी है सर आपको कैसे पता खूबसूरत है दुनिया में हर चीज खूबसूरत होता है बच्चा देखने वाले की आंखों पर निर्भर करता है तो खूबसूरत सा स्क्वायर है यहां चार्ज है बच्चा प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू ऐसा हम लोगों को मिलकर बताना है कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्क्वायर की सभी भुजाओं की जो वैल्यू है वो ए ए, है। क्या है? ए है। सवाल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एक बार अच्छे से सुनोगे तो कसम उड़ान झल्ले की ऐसे हजारों प्रश्न आप खुद ही बना के खुद ही सॉल्व कर सकते हो इतनी ताकत बाबा एस एस एसएसपी के, के लेक्चर में बन जाएगा ये बनेगा बाबा और बाबा के बच्चों का जितने भी चार्जेस है सब मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी ऐसे क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव कहा देता है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो मैं इसका नाम दे देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट वन यानी कि पॉइंट वन पर रखे हुए चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा तो ये मिल गया के बच्चा प्लीज ध्यान से आर है चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस अधिकांशता बच्चे गलती क्या करते हैं बोलते हैं ए है डिस्टेंस पगला चोरकट चार्ज से जिस बिंदु पर निकाल रहे हो द पॉइंट वेर यू विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस है आर तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया आर वैसे ये डिस्टेंस भी कितना होगा ये भी आर होगा ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर होगा क्यों क्योंकि ये स्क्वायर के सेंटर से समझ गए ना हाँ इसी तरह से बच्चों By टू थ्री एंड फोर क्या सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं सब सेम है विच इज एक्टली इक्वल टू इवन एंड दैट इज kq क्यू बाई हाँ। पर सर माइनस कहाँ गया अरे बताया था ना मेरी जान कि माइनस से दिशा चेंज कर दो आओ दिशा की तरफ देखते हैं दिशा 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 तो वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसका नाम दे दो ई वन थ्री की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है भाई साहब क्यों क्योंकि माइनस है उसने खींच लिया माइनस में हमेशा इनवर्ट होता है और प्लस में हमेशा आउटवर्ड होता है अच्छा इस पॉइंट पर इसकी वजह से यहाँ आएगा ए टू और इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा ई फोर अब ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है देखिए ना मैग्नीट्यूड सेम है ना यहां पर हमको ये जो चार्ज है उसका मैग्नेट्यूड लेना होता है हमने लिया और देखा सबका मैग्नेट्यूड सेम है तो अगर मैग्नेट्यूड सेम है तो इस पॉइंट पॉइंट पे एट आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है बेटा तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और यहां पर भी आप लिख दीजिएगा टू सर ये टू क्यों हुआ अरे भैया ईवन और इ थ्री दोनों सेम है 100 न्यूटन का गेंडा एक खींच रहा था दूसरा गेंडा भी 100 न्यूटन से खींच रहा था तो मेरे पे कितना न्यूटन लगेगा 400 न्यूटन तो ये अगर इवन है ये भी इवन है क्योंकि सब सेम है तो टू ईवन ये भी ई टू ये भी ई फोर तो टू ई टू क्योंकि एटू, एटू, सब ईवन के बराबर ही है या ई टू के बराबर मैंने ईवन को भाव दिया है यहां पे चलिए तो टू ईवन कितना हो गया टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये भी कितना हुआ टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये डायगनल पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री तो बेटा ये क्लास इलेवन की थोड़ी फिजिक्स है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर याद कीजिए अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए भी कॉस सीटा लगेगा ना क्योंकि दोनों वेक्टर हैं के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री तो जब 90 डिग्री है बेटा तो ये तुम्हारा डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि ईवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वा टू कॉस नाइनटी अरे दोनों ईवन है यार 90, 0 होता है है तो तो यही बचा कितना कितना हो गया? ये हो गया गया ये मिनट मैं गलत हुण नहीं अगर आप चाहो इसको सरल बनाने के लिए तो आप इसे वेक्टर ए कंसिडर कर लो ज्यादा सरल हो जाएगा और इसे आप वेक्टर बी कंसिडर कर लो तो ए और बी के बीच का एंगल नाइनटी डिग्री है इसीलिए यह बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अब आप देख सकते हैं जितना ए है उतना ही बी है दोनों सेम है सही था वैसे दोनों ही सेम है तो ये अंडर रूट टू ए हुआ अंडर रूट टू ए की वैल्यू कितनी है टू के क्यू अपॉन में आर तो फाइनल आंसर टू रूट टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इसे कभी भी आप फाइनल आंसर कहेंगे तो आप गलत हैं आपके मार्क्स कट जाएंगे पूछो क्यों क्योंकि सवाल में दिया क्या था ए आंसर किस फॉर्मेट में ला रहे हैं आर तो ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि बच्चों जब भी आपको ऐसा पूछे सवाल के अंदर जो भी वेरिएबल दिया हो उसी वेरिएबल में आपको आंसर लाना है यानी हमें क्या करना होगा इस आर को हटाना होगा सर कैसे हटाएंगे वेरी सिंपल देख ये 90 डिग्री है ये त्रिभुज देख ट्रायंगल देख वन टू थ्री पाइथागोरस लग गया तो यहां अगर ये पाइथागोरस लग गया तो यहां से यहां तक ये आर है ये आर है तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये वाला ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर तो 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 बराबर ए स्क्वायर बाई टू ओ भाई रख दो वैल्यू खेल खत्म तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई टू रखोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा रूट टू के प्रैक्टिस है ना बच्चा कि ये क्वेश्चन याद हो चुका है मुझे ऐसी ही प्रैक्टिस बच्चों आप लोगों को भी करनी चाहिए ठीक है सो so, लेक्चर को को पर हम एंड करेंगे आज क्लास के के क्लास नोट्स डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से और बेहतरीन पार्ट्स आपको जहां पर भी लगता है बच्चों या कुछ भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम सचिन पर डीएम भी कर सकते हैं फॉलो भी कर लीजिएगा राइट अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वाले क्लास में जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब हम पढ़ रहे होंगे बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल और उसके ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और एक और लेक्चर हम लेंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे पूरा गाउस गाउसो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आया मजा तो अपना मीठा मीठा कॉमेंट भी जरूर लिख देना बच्चों चलो मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली कक्षा में तब तक खुश रहे मुस्कुराते रहे मुस्कुरा के साथ फिजिक्स पढ़ते रहे Chahind. See you in the next class. Till then, do whatever, but don't trouble your mom.